दोस्तों वीडियो में बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी जिसमें क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस होने थे और रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस, किस तरह के नंबर्स जनरेट किए हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करें अगर फोर्थ क्वार्टर के इनकम की, तो टोटल इनकम 2,28,612 मिलियन की है जो कि थर्ड क्वार्टर में 2,28,030 मिलियन की थी। यानी कि थर्ड क्वार्टर के मुकाबले कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में इनकम जो है वो ज़्यादा जनरेट करी है। अगर हम बात करें कि पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर के मुकाबले इस साल के फोर्थ क्वार्टर का क्या कंपेरिजन रहा है, तो मार्च 2023 का जो चौथा क्वार्टर था उसमें कंपनी ने 2,38,215 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था जो कि घट के 2,28,612 का हमें इस साल के फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। यानी कि ईयर टू ईयर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिलता है। अगर ईयर एंडेड की बात करें, यानी कि पूरे साल के दौरान कंपनी ने क्या रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि मार्च 2023 में अगर देखें तो 2,09,27,622 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था जो कि इस साल घटकर 9,23,911 मिलियन का रहा। अगर सारे एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी ने क्या एक्सपेंसेस किए हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में 1,99,788 मिलियन का एक्सपेंस किया जो कि थर्ड क्वार्टर में कुछ ज़्यादा था, 1,92,505 मिलियन का। अगर पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो वो था 1,98,035 मिलियन। यानी कि कंपैरिजन आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी देखने को मिलेगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि सारे टैक्स सब कुछ पे करने के बाद क्या रेशो निकला, क्या कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो वो यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है फोर्थ क्वार्टर में वो 28,582 मिलियन का है जो कि थर्ड क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है। थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने 27,006 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर हम बात करें कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 30,935 मिलियन का जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया था। यानी कि अगर साल दर साल का हम कंपैरिजन करें तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कम रेवेन्यू, कम प्रॉफिट जनरेट किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कम प्रॉफिट और कम रेवेन्यू जनरेट किया है। तो पिछले साल की तुलना में इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुछ कम नज़र आया, कुछ घटा देखने को मिलता है क्योंकि मार्च 2023 के पूरे साल के दौरान कंपनी ने 1,13,665 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था जो कि घटकर इस साल 1,11,121 मिलियन का देखने को हमें मिल रहा है। तो कुल मिला के कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा सा जो प्रॉफिट है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये था विप्रो लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट। उम्मीद करूँगा ये जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।